नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 जो पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन है। इसमें आपका वेरिएबल टी या थीटा के फॉर्म में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल 34, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें क्या होगा, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको ए भी है और कॉस थीटा भी है, आपको जो इसके बाद जो टर्म है, जो वेरिएबल है, आपको थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। मैं अभी आपका जो भी टर्म होगी वो आपकी हमेशा टी या थीटा के फॉर्म में होगी। जैसे एग्जाम्पल 34, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म इसलिए बोलते हैं, जैसे एक्सरसाइज 5.6 है, इसमें इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें पैरामीटर क्या है, टी, ए नहीं है, टी या थीटा होगा, ये आपका पैरामीटर है थीटा। इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, आप समझ आओगे कैसे करना है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये क्वेश्चन है आपका। अब हम निकालें dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हम निकालेंगे dx एक्स पर डी थीटा। इसका क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा। अब इसमें निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। इसका क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। हम निकालने के हमें डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसको मैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिखता हूँ, ये ऊपर आएगा, इसमें ऊपर है ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसे कट गया, इसे कट गया, क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा आया। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से करूँगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में करना है वैसे ही, ठीक है। आया, सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिक किस है, क्वेश्चन अलग है। इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। अब जैसे ये है एग्जांपल 35, फाइंड डी वाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2at। मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूँगा। डी एक्स बाय डी टी, इसमें टी है, यहाँ पे हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और ये आपका कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। ए इंटू डी वाई बाय डी टी टी स्क्वायर, ये आपको क्या हुआ, डी एक्स बाई डी टी इक्वल ए, इसका क्या होगा 2t, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बाई डी टी वाई का, 2at है ना, 2 आपका कॉन्स्टेंट है, तो dy बाई डी टी आपका क्या होगा, 2a dy बाई डी टी ऑफ t, टी का क्या होगा 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो हमसे 1 होगा। इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं ध्यान, आप मेरी जो पहली वीडियो है एक्सरसाइज 5.2 वो देखो पहले आप, ठीक है। जो भी नहीं है मुझे बताओ, मैं आपको पूरी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब इस टर्म को ऊपर लिखना है, इस टर्म को नीचे लिखना है, यानी कि डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2a
280 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी। सिंपल। एग्जाम्पल 36। फाइंड डी वाई डी एक्स इफ विजिबल यस एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। अब आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है? थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे थीटा गिवन है यहाँ पे आपके। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से आपको ऐसे करना है। अब हम करेंगे स्पीड से ताकि आपको भी ध्यान जल्दी जल्दी हो जाए और आपको भी समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में कवर हो जाए। ठीक है, ए आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो ए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा का? 1 प्लस इसका क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब हम निकालना डी वाई थीटा निकालना है, एक बाहर लिख दो। 1 का क्या होगा? 0 माइनस इसका क्या होगा? प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा सॉरी माइनस साइन थीटा माइनस माइनस यहाँ पर गिवन है प्लस साइन थीटा हो गया आपका। ठीक है, अब इसको ऊपर लिखो, उसको नीचे लिख दो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे कट गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 37। फाइंड डी वाई डी एक्स एक्स 2/3 अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सिंपल बहुत। इस क्वेश्चन को हम यू प्लस वी के फॉर्म में करेंगे। डी यू इक्वल टू एक्स 2/3 वी वाई इक्वल वी इक्वल टू टू वाई 2/3 जैसे हमने एक्सरसाइज 5.5 में किया था ना, वैसे ही करना है। इसको यू वी को सॉल्व करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, बस सिंपल है। ठीक है, आपको कर देता हूँ मैं अभी। डी यू यू प्लस वी यू प्लस जेड ले लो उसको इक्वल ए 2/3। ठीक है, लेट किया यू इक्वल टू एक्स 2/3 ठीक है डी यू बाय डी थीटा डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू 2/3 एक्स 2/3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको 2/3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1/3 यानी कि डी यू बाय डी एक्स आया आपका आपका आया 2/3 एक्स माइनस 1/3। ठीक है, और अब हमें लिखाना है डी जेड बाय डी एक्स डी वाई नहीं एक्स ही आएगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। एक्स 2/3 वाई 2/3 है हाँ डी जेड बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2/3 वाई 2/3 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/3।
आ गया आपका। अब दोनों को ये जैसे जो हमने लेट किया था, यू प्लस जेड इक्वल टू ए टू बाई थ्री डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2/3 एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इनको वहां ले जाओ, 2/3 एक्स इक्वल टू -2/3 वाई 1/3 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको नीचे ले आओ, ठीक है, ये कट गया, माइनस एक्स अपॉन x1/3 y1/3। ठीक है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो बुक में है इसमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, और जो मैंने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है बुक में, इन्होंने पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आएगा कि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना है, क्वेश्चन में आएगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन ही आपको ये रहा बस। अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इन्होंने जो सॉल्व किया, इन्होंने पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व किया है, एक्स को ये पुट कर दिया, वाई को ये पुट कर दिया, ये आपको हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम टाइम में अब ध्यान नहीं आएगा कि मुझे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, और क्वेश्चन ये नहीं लिखा होगा कि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना है। जैसे मैं एक्सरसाइज 5.5 में था, इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे हमने कैसे सॉल्व किए थे, आप मेरे जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। हमने इनको यू प्लस वी के फॉर्म में सॉल्व किया था, लेट यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई की पावर एक्स, हमने लेट करके सॉल्व किया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें हमेशा उसको यू जेड यू प्लस वी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं हमेशा। हमें वैसा क्वेश्चन मिला, ऐसे सॉल्व कर दिया। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आपको बुक में सॉल्यूशन आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ये आपका ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। एक्स इक्वल टू 2 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 84। अब ये आपको टी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको टी ना कुछ ना टी था ना यहाँ पे आपका थीटा था आपका, अब इसने यहाँ पे लेट किया है, मैंने इसको यू प्लस जेड के फॉर्म में सोल्व किया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन में जैसे सोल्यूशन आपको दे रहे हैं उसी के थ्रू आपको सोल्व करना है, ऐसे नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर टी है, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, हमें इसको टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, यानी डी एक्स पर डी टी, और बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। जैसे पीछे हमने जो भी हमने एक्सेस किया है हमेशा एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया है हमने। ठीक है, ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इसलिए जो यहाँ पे वो टर्म है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। या इसका क्या होगा, 2a आपका कांस्टेंट है, टी इसको क्या क्या होगा 2t, इसको क्या होगा डी वाई बाई डी टी, क्या होगा 4a t³
ठीक है। अब इसको ऊपर ले आओ, फॉर ए टी क्यूब, ये आपका 480 होगा, ये आपका दिया, आपको क्या बचा, टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, बस थोड़ी ट्रिक्स है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म को समझना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है और उसको कैसे सॉल्व करना है, बस। ये आपका पैरामीटर फॉर्म में है या फिर यू प्लस जेड की फॉर्म में है या फिर सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे आपको वैसे सॉल्व करना है। जैसे इसमें था या फिर लॉग की फॉर्म में है, देखो जैसे ये है, या फिर लॉग की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। इसमें आपको बोथ साइड लॉग से इनटू करना है, ये मैंने भी एक साइड 5.5 में करवा रखा है, आप इसमें देख सकते हो। बस क्वेश्चन की फॉर्म को समझना है और देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। अभी यहाँ पे थीटा है, इसको हम डी एक्स पर डी थीटा लिखेंगे, ठीक है, माइनस ए साइन थीटा, ए आपका कांस्टेंट है, कॉस थीटा का इसका क्या होगा डिफरेंशिएट, माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, डी वाई बाय डी थीटा क्या होगा आपका, माइनस बी साइन थीटा, डी वाई बाई डी सबको क्या होगा, माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ये कट गया, ये आपका आ गया बी अपॉन ए, सिंपल, ठीक है। जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन फर्स्ट का, फाइव पॉइंट सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड बी बाई है, ठीक है, 280 स्क्वायर। इसको मैं देखता हूँ, इसको यहाँ पे कैसे आया, इसमें गिवन है 280 स्क्वायर, मेरा आंसर है 2 t² आ रहा है बस, इसको देखता हूँ मैं अभी। जैसे अभी अपने क्वेश्चन किया था, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ उसमें मेरा आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, जैसे आप खुद करो, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक स्क्वायर ही आएगा, पीछे का आंसर गिवन है 2 t², ये भी गलत हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 आपका है, एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस 2t, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डी एक्स बाय डी टी इसका क्या होगा, कॉस टी, डी वाई बाय डी टी इसका क्या होगा, माइनस साइन 2t, अब इसको भी करना है इंटू 2, सिंपल है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और उसी को सॉल्व करना है बस। ये आपका ऊपर आएगा माइनस 2 sin 2t अपॉन कॉस टी, ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ अब इसका हम आंसर चेक करते हैं, अच्छा अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखो तो भी बहुत है। इसने क्या किया, इन्होंने इसका फॉर्मूला होता है 2 sin t कॉस टी अपॉन कॉस टी माइनस 4 sin t, ठीक है। फॉर्मूले मैंने आपको आपको जो नीचे लिंक है आप उसमें लिंक में चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो मेरा ब्लॉग है उसमें सारे फॉर्मूले सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके आगे बढ़ते हैं,
सिंपल है, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन करना है आपको जो थीटा या फिर टी के फॉर्म में आपको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बस, और कुछ नहीं। तीन चार फॉर्म है डिफरेंशिएशन के, उस फॉर्म को जितने ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बस प्रैक्टिस आपके हाथ में है। 40, ये कोई टी है वो टी के रिस्पेक्ट में डिफिशन करना है। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4 डी वाई डी टी इसमें पर जो ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है इसमें लगा दो डिवाइड रूल। टी स्क्वायर टी का टी इंटू 4 क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन, पहले ऊपर करना है फिर नीचे करना है, यानी कि आपका ऊपर करेगा तो 0 आएगा, 0 माइनस इसका क्या होगा 1, यानी कि डी ओ बाई डी टी आपको क्या होगा 4 माइनस 4 टी स्क्वायर। -4 टी स्क्वायर ये 4 है टी वाई 4 ठीक है। ये आपका ये ऊपर चला गया -1/ टी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, डी एक्स बाई डी थीटा इसका क्या होगा माइनस साइन थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा इसका इंटू 2, यानी कि इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, ये प्लस हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी थीटा, इसका क्या होगा कॉस थीटा, इसका क्या होगा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, पहले इसका करना है फिर इसका करना है सीक्वेंस। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है थीटा, यानी कि डी एक्स बाय डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा इसका क्या हुआ डी वाई बाई डी थीटा ए 0 माइनस साइन थीटा। इसको ऊपर के उसको नीचे लिख दो माइनस ए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
माइनस साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा। डाउट है सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस स्कूल के लिए बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्कूल पर, स्कूल वालों के लिए, लेकिन बोर्ड में कभी क्वेश्चन नहीं आता। फिर बस स्कूल में क्वेश्चन देते हैं लेकिन बोर्ड में नहीं आता कभी, एक दो बार आया होगा वैसे कभी नहीं आता बोर्ड में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट ये थोड़ा टिपिकल है, आसान है लेकिन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा टिपिकल है। एक्स इक्वल टू, एक तो थोड़ा सेवन थोड़ा बोर्ड में आपको, जैसे मैं आपको बताया था बोर्ड में नहीं आता, बस स्कूल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उनको ये अच्छा लगता है। सेवन्थ है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ये आपके पांच क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और थोड़े से ट्रिकी है और सबको ये क्वेश्चन ये अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाकी तो ये कोई भी कर लेगा लेकिन बोर्ड में ये कम आने के चांसेस होते हैं आपको, सेवन्थ, एट्थ और इलेवेंथ बहुत कम, लेकिन स्कूल में आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बोर्ड में अगर कम आते तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, कम आते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि आते नहीं है, कम आते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, अभी किसके फॉर्म में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डी एक्स पर डी टी, इससे क्या हुआ माइनस साइन टी लॉग टेन टी बाई टू। इसको आप अगर जो मैथ्स में परफेक्ट नहीं है उसको आप अलग से सोल्व कर लो, फिर आप इसको यहाँ पे लिख देना, और जिसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा परफेक्शन है वो यहीं पर सोल्व कर सकता है, मैं इसको अलग सोल्व करूँगा। ऐसे नहीं कि नहीं है परफेक्शन, बस आपको समझ में आ जाए, मेरा मेन मोटिव ये है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग है, लॉग क्या होता है वन बाई एक्स, यानी कि वन बाई टेन टी बाई टू। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन है टेन का, टेन का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक्स स्क्वायर टी बाई टू। अब टी बाई टू का करना है डिफिनेशन, यानी कि वन बाई टू। ठीक है, अब ये सब कुछ यहाँ लिख दो, वन बाई टू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू टेन टी बाई टू। अभी न्यू हुआ पूरा क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है। अगर इसको यहाँ से सॉल्व कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा सिंप्लीफाई हुआ नहीं है। हाँ, सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सोचो। सेक्स का फॉर्मूला एक होता है, डिफरेंशिएट नहीं करना, एक त्रिकोण का फॉर्मूला है वन अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेन टी बाई टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है हाँ साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ये कट गया स्क्वायर से, यहाँ पे क्या बचा साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू।
अभी टाइम ऊपर आ जाएगी, जैसे आपका इसके नीचे बंद है ना, ये टाइम ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, ये इससे इंटू होता है और ये इससे इंटू होता है, यानी कि ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। ए साइन टी प्लस वन अपॉन टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, इतना आपका आया। अब ये भी फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको बताता हूँ साइन टू ए का फॉर्मूला क्या है, हाँ टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इनका हाफ ऑफ एंगल फॉर्मूला करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ क्या हो गया, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, यानी कि इसको हम लिख दिया वन अपॉन साइन डी, थोड़े ट्रिकी है लेकिन थोड़ा सा आपको इसका स्टेप्स आपको याद याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसका एलसीएम ले लो, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन डी, अभी ये सब फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर एक्स साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, इसको मान ले जाओ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको वैसे ही है, यानी आपका ये हो गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन डी, ठीक है। अब हमें था वाई इक्वल टू ए साइन टी, डी वाई बाई डी टी क्या हुआ इसका, आपका ये आपका क्या आया डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, इसका क्या होगा ए कॉस टी, ठीक है। अभी आपका ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे आएगी, मैं इसको यहीं पे कर दूँ, नहीं कर रहा, ए कॉस टी चल ए से काट दूँ, ठीक है काट दिया। कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है, ये आपका इसके नीचे वन है, हाँ ये आपका इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा, यानी कि साइन डी कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, इसे कट गया, अब क्या क्या आएगा टेन डी, नहीं आया मुझे बताओ क्या नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन में ये नहीं आया, मैं आपको उसी क्वेश्चन की प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फिर से मैं वीडियो बना दूँ उसी क्वेश्चन की स्पेशल, ओके। अब हम करते हैं एट्थ, आपको फिर से करना, आपको हो जाएगा, नहीं आया पहले आप देख के करना, बाद में बिना देख के करना, आपका आंसर अपने में सॉल्व हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भी सिंपल ही है तभी मैं कर देता हूँ, एन इलेवेंथ, इलेवेंथ थोड़ा टफ है थोड़ा सा, ठीक है। टेंथ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा,
वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके डी एक्स और डी थीटा निकालने पहले माइनस साइन थीटा प्लस, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई रूल का डिफरेंशियल यूज कर दो आप, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। पहले इसका इसका किया हमने, मैंने साइन थीटा मैंने वैसे लिया था थीटा साइन का क्या कॉस थीटा प्लस साइन का, इसको इसका करना है डिफरेंशियल, इसका क्या होगा वन प्लस साइन थीटा, ये कट गया। आपको क्या बचा ए थीटा कॉस थीटा। अब इसका करना है ए कॉस थीटा माइनस, ऐसे इसमें अगर इसमें क्या हुआ थीटा, इसके अगर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा और बाहर भी अभी आप बाहर आपका प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपके क्या बचा थीटा ए थीटा साइन थीटा, इसको ऊपर लिया उसको नीचे लिया, आपको क्या बचा क्या टेन थीटा आया नहीं आया मुझे बताओ, सिंपल है ये, बहुत सिंपल था। अब हम करते हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इलेवन। ध्यान से करना, पहले आप इसको देख के सॉल्व करना उसके बाद बिना देखे सॉल्व करना, पहले आप इसको देखो इसको लिखो मत। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में करने रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। ओके अब इसका करना है, अब इस मैंने आपको बताया था इसकी पावर अजीब सी हो आपको इसको लॉग से मल्टीप्लाई करना ही करना है, याद आपको एक्सरसाइज 5.5 में वो पूरा लॉगरिथम आपकी पूरा लॉगरिथम आपका एक्सरसाइज है, उसमें आपको लॉग से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें से थोड़ा सा पॉइंट इसमें इस क्वेश्चन में आ गया इन टू, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है लॉग से, इसको आप साइड में सॉल्व करना देन इसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है सपोज करो y इक्वल टू ए साइन इनवर्स t है, ठीक है दोनों साइड लॉग से इंटू कर दो। लॉग y log y इक्वल टू ए साइन इनवर्स t, ठीक है नहीं यहाँ पे भी log आएगा ना, log यानी कि यहाँ पे log y a log साइन इनवर्स t ऐसे होगा ना आपका, समझ नहीं आया वाई इक्वल टू ए साइन यूनिवर्सिटी आपका है, ठीक है लॉग बोथ साइड लॉग वाई लॉग ए साइन यूनिवर्सिटी साइन यूनिवर्स टी, ठीक है
अभी आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी आपका नीचे आ जाएगा साइन इनवर्स टी लॉग ए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, माइनस नहीं आएगा, वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर लिख दो इससे बढ़िया लॉग है, ठीक है। यानी कि और वाई को वहाँ ले जाओ, वाई आपको था क्या, ए साइन इनवर्स टी, ये नीचे आएगा, इंटू लॉग ए। एनी डाउट बताओ, फिर से बताता हूँ। वाई इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, मैं मुझे इसको ये इसको सॉल्व करना है। मैंने जो रूट का मैंने रूट सॉल्व कर दिया, अब मुझे अंदर का जो इक्वेशन इसको सॉल्व करनी है। मैं इसको यहाँ पुट कर दिया वाई इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। वाई ले इसको लेना जेड ले लो, क्योंकि हमें वाई पहले से है ही, इसको लेना जेड, ठीक है। लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए साइन इनवर्स टी, दोनों को मैंने लॉग से इंटू कर दिया। इसको मैंने कर दिया डेरिवेटिव, वन बाई वाई डी वाई बी डी एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। साइन इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में होगा डी वाई बी डी टी, ठीक है। जब भी यहाँ पे टी का मान होगा, जब भी टी के रिस्पेक्ट में होगा, साइन इनवर्स टी लॉग है, ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो इसका डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टी है, टी आप यहाँ पे आ गया, वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर आपका आ गया और लॉग है, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल रूल लगा दो, जब भी आपका यहाँ से ये यही आएगा, जैसे आप करते हो टू ए का, टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू है ना। यानी हमने टू को बाहर बाहर लिया और हमने एक्स कर दिया, एक्स क्या होगा वन। बात ये की है, मैंने जो कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर ले लिया और इसको मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, वन पर वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। डी वाई पर डी सब क्या है, इसको मैं वहाँ पे ले गया। वाई आपकी वैल्यू क्या थी आपकी, ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, डाउट। अब इस चीज़ को यहाँ लिख दो, ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए कुछ डाउट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये टर्म सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये भी सिमिलर है। देखो कैसे, वन अपॉन इसको मैं इसके लिख दूँ टू एक्स, इसको स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी है सिमिलर, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए, डाउट। यानी कि आपको लॉग ए एक्स लॉग ए टू डाउट है बताओ, सिंपल है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ टी है, तो यहाँ पे हमेशा डी वाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, ओके। अब हम करेंगे डी वाई डी टी निकालेंगे,
ये भी ऐसे निकालना है। ठीक है, इसको क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इसको सोल्व करना है अलग से, जेड इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई लोग बोथ साइड। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वन बाय जेड डी जेड बाय डी टी। ठीक है, इसे नीचे ले आओ। अभी आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो। इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट इसका वन अपॉन माइनस में आएगा, कॉस का है माइनस माइनस लॉग अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। और जेड जेड को यहाँ यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस लॉग ए ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, इतना है आपका, इतना आपका आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। ये ध्यान करना, ये मल्टीप्लाई है, ये लॉग इनटू ठीक है। अब इसको ये एक्स, ये आपको वाया था, ये आपको वाया था। ठीक है, इसके बाद वाई लिख दो यहाँ पे, वो ये भी आपको वाई वाई स्क्वायर हो गया, जिसमें आपको बताया था इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, इसमें स्क्वायरिंग बहुत ऐड कर दो। आया समझ में, इनटू वाई। ठीक है, इसी कट गया। अब आपका यहाँ पे है लॉग ए वाई लोगे। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस वाई लॉग ए अपॉन में दिस। ये अब क्या आया, डी वाई बाई डी टी। अब ये दो दो टर्म को इसे ऊपर लिखो, इसे नीचे लिखो। ठीक है, ये टर्म आपकी गई, इससे ये कटा, आपका आंसर है माइनस वाई अपॉन एक्स। थोड़ा ट्रिक था, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करना, पहले आप देख के करना, फिर बिना देख के करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा है, सेवन क्वेश्चन। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, बहुत लंबा, इससे भी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तब तक आप खुद करो, प्रैक्टिस करो, आपका आंसर खुद निकल जाएगा। थैंक यू।